आज हम ऐसे सीरियल किलर की कहानी जानने वाले हैं जिसने 150 से ज्यादा महिलाओं को अपना शिकार बनाया और उसे पुलिस आज तक पकड़ नहीं पाई। यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसे हमें पुलिस और प्रेस वालों के इंटरव्यू से बताया गया है। ये एकमात्र ऐसी मूवी जिसमें आयरन मैन, हल्क और मिस्टीरियो का साथ देखेंगे हम। अब मूवी शुरू होती है। 4 जुलाई 1969 को हमें लेरो सिटी में डार्लिंग नाम की औरत को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड को पिक करते हुए पहाड़ियों के सुनसान इलाके में चली जाती है। उन्हें वहाँ बातें करते हुए काफी देर हो चुकी थी कि तभी पीछे से एक ब्लैक मस्टैंग आती है। वो वहाँ थोड़े देर रुक के वहाँ से चले जाती है। ये लोग कुछ समझ पाते कि फिर से वो मस्टैंग वापस आती है और वहाँ रुककर उसमें से एक आदमी निकलता है और वो इन्हें शूट करके मार देता है। यही सीरियल किलर जोडियक था। वो पुलिस को कॉल करके अपने मर्डर के बारे में सारी खबर देता है। वो ये भी कहता है कि लास्ट ईयर जो मर्डर हुआ था ना, वो भी मैंने ही किया है। अब कहानी आती है सैन फ्रांसिस्को में। उस घटना को 4 हफ्ते बीत चुके थे। यहाँ पे हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने बेटे को स्कूल छोड़ रहा होता है। उसका नाम रॉबर्ट ग्रे स्मिथ होता है। रॉबर्ट सैन फ्रांसिस्को के क्रॉनिकल अखबार में काम करता है। वो वहाँ कार्टूनिस्ट है। अब इसके बाद जब वो ऑफिस पहुँचता है तो वहाँ सबकी मीटिंग चल रही होती है। मीटिंग के दौरान वहाँ पे एक सीरियल किलर का लेटर आता है। उस लेटर में उसने डार्लिंग के मर्डर की सारी डिटेल्स लिखी थी और वो उन सभी को अपना नाम जोडियक बताता है। इस मूवी में हम आयरन मैन मतलब कि पॉल को देखेंगे जो कि यहाँ पे क्राइम रिपोर्टर का काम करते हैं। जोडियक ने उस लेटर के साथ साथ एक अनकोडेड मैसेज भी भेजा था जो कि सिंबॉलिक फॉर्म में था। वो उस लेटर में ये भी लिखता है कि अगर तुम लोगों ने इस लेटर को पेपर में पब्लिश नहीं किया तो मैं इस वीकेंड बहुत से लोगों को मार दूंगा और अगर न्यूज़पेपर में ये लेटर पब्लिश हो गया तो मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दूंगा। रॉबर्ट जोडियक के उसी डिकोड लेटर पे जो सिंबॉलिक फॉर्म में था वो उसे देखकर काफी कुछ समझ जाता है। वो कहता है कि अगर हमने न्यूज़पेपर में इसके लेटर को पब्लिश किया तो ये फिर भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेगा और वो उस लेटर को देखकर जोडियक के बारे में बहुत सी बातें बता देता है पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। साथ ही साथ वो इस लेटर को FBI को भी भेजते हैं। FBI की टीम इसे सॉल्व करने की बहुत कोशिश करती है पर वो इन लोगों से सॉल्व ही नहीं होता। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें इस कोड्स को पेपर में पब्लिश कर देना चाहिए। अगले दिन फ्रंट पेज पर ये पजल छपा हुआ पाया जाता है और इस पेपर को बहुत से लोग पढ़ते हैं। उन्हीं लोगों में से एक कपल जो कि हिस्ट्री टीचर का काम किया करते हैं वो इस कोड को आसानी से सुलझा लेते हैं। वो इस लेटर को सॉल्व करके क्रॉनिकल अखबार में भेज देते हैं। अब पॉल देखता है कि उस कपल ने जिन्होंने इस कोड को डिकोड किया इन्होंने जैसा अनुमान लगाया उसी तरह का अनुमान रॉबर्ट ने भी लगाया था और इस सबके चलते पॉल अब रॉबर्ट के साथ मिलकर इस इन्वेस्टिगेशन में काम करेंगे। इसलिए अब ये दोनों भी इस केस पर काम करने लगते हैं। इन दोनों की जो रिसर्च होगी वो कंप्लीट होने के बाद ये अखबार में उसे रिलीज कर आर्टिकल के फॉर्म में पब्लिश करेंगे। अब समय और बीत जाता है। 2 महीने बीत चुके थे। पुलिस उस किलर को अब तक नहीं पकड़ पाई थी और तभी इन न्यूज़पेपर वालों को एक और लेटर ऑफिस में आता है जहाँ पे किलर ने खुद का नाम जोडियक बताया था और हाल ही में हुए एक मर्डर के बारे में लिखा था। वो बताता है कि मैंने 27 सितंबर को कैलिफोर्निया की एक जगह में जो कपल ऑफ ले के नाम से फेमस है वहाँ एक कपल जो पिकनिक मनाने गए थे वो वहाँ पे एंजॉय कर रहे होते कि तभी वो लेडी एक ब्लैक कलर का आदमी जिसने मुंह पे मास्क पहना था वो इन्हीं की ओर आ रहा है। वो अपने हस्बैंड को इसके बारे में बताती है पर वो इसे इग्नोर कर रहा होता है कि तभी वो आदमी इनके पास आ जाता है जिसके मुंह में मास्क लगा हुआ था। उस कपल को लगता है कि ये चोरी के इरादे से आया होगा जिसके चलते वो कि उसकी और पैसे और कुछ सामान दे देते हैं पर वो किलर कहता है कि मैं जेल से भाग के आया हूँ मुझे तुम्हारी कार की चाबी चाहिए। वो कार की चाबी उसे दे देते हैं क्योंकि वो दोनों काफी डरे हुए थे और तभी वो किलर इन दोनों कपल को हाथ बांध देता है और एक नाइफ से इन्हें बहुत बहरहमी से मारने लगता है। हर बार की तरह अपने काम की शाबाशी लेने के लिए पुलिस को कॉल कर देता है। सारी घटना के बारे में वो बता देता है। अब वहाँ पुलिस भी पहुंच चुकी थी पर उन कपल्स में से लड़का जो था ना वो बच जाता है। अब इस सारे मर्डर की जानकारी लेटर में खुद किलर ने ही दी थी। इस लेटर के साथ साथ उसने कुछ लाइंस ये भी लिखी थी जिसमें उसने लिखा था कि द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द टाइम इज ह्यूमन। अब रॉबर्ट इन लाइनों को बहुत ध्यान से देखता है और वो उसके दिमाग में ही रहती है कि तभी वो ऑफिस के लाइब्रेरी में जाकर एक पुरानी किताब लेके आता है और पॉल से कहता है कि ये जो लास्ट लाइन इसका मतलब है द मोस्ट डेंजरस गेम और ये एक मूवी में है मतलब कि ये एक मूवी है। उसमें ऐसा ही एक किलर एंटरटेनमेंट के लिए इंसानों की जान लेता है और उस मूवी में जो किलर होता है ना उसका भी नाम कुछ इसी तरह अजीब होता है। ये सारी चीजें पॉल अपने आर्टिकल में पब्लिश कर देता है। अब यहाँ आसपास के एरिया में कर्फ्यू लगाया जाता है। पुलिस दिन रात अपना काम कर रही थी। अब 2 हफ्ते और बीत जाते हैं। यहाँ पर जोडियक एक टैक्सी में बैठकर जा रहा होता है और वो तभी उस टैक्सी ड्राइवर को गन से शूट करके मार देता है पर वो इस बार पुलिस को कोई खबर नहीं करता। इस मर्डर की खबर वहाँ पे एक लेडी करती है जिसने गोली की आवाज सुनी थी और इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए 2 डिटेक्टिव आए होते हैं जिसमें से एक डिटेक्टिव का नाम डेव होता है और दूसरे का
का आर्मस्ट्रांग यहाँ वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं सैन फ्रांसिस्को की इस जगह में। ये पहला मर्डर था और दो मर्डर अलग अलग जगह पे हुए थे। क्राइम सीन पर कुछ बच्चे ये दावा कर रहे थे कि हमने जूडियो को देखा, वो उनके अकॉर्डिंग बताते हैं कि वो 5 फुट 11 इंच लंबा था और व्हाइट मैन था और ब्लैक जैकेट पहनी थी, उसके मुंह पे मास्क भी था। अब इस मर्डर के अगले दिन क्रॉनिकल टाइम्स को वापस एक लेटर आता है जिसमें किलर ने ड्राइवर का खून से सना हुआ कपड़ा उन्हें भेजा था और वो लिखता है कि पुलिस कितनी बेवकूफ है, वो अगर वहां से अच्छे से तलाशी लेती तो वो मुझे पकड़ सकती थी क्योंकि मैं वही पास ही में एक पार्क में पूरी रात बैठा रहा। और उस लेटर के एंड में जूडियक ने ये भी लिखा था कि अगली बार मैं बच्चों से भरी एक स्कूल बस को टारगेट करूंगा। क्रॉनिकल अखबार वाले इस लेटर को डिटेक्टिव डेव को दे देते हैं। वो यह सुनकर डेव काफी हैरान होता है क्योंकि उसके शहर में एक किलर घूम रहा है वो भी खुलेआम, और अब उसे पकड़ने की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। इस सबके चलते उस पर काफी प्रेशर होता है। अब डेव सारे लेटर्स लेके राइटिंग एक्सपर्ट के पास जाता है जो इसकी जांच करेगा। वहाँ पे वो राइटिंग स्पेशलिस्ट डेव को बताता है कि ये सारे लेटर एक ही इंसान ने लिखे। अब इस सब के चलते वो लोग काफी डरे हुए होते हैं, तो वो लोग ना जो वो बस वाली खबर होती है वो टीवी पे चला देते हैं ताकि बच्चों की सेफ्टी बनी रहे। अब अगले दिन पुलिस डिपार्टमेंट सभी मिलकर इस केस पे काम कर रहे होते हैं। अभी जिन भी जगहों पे फिलहाल मर्डर हुए थे वहाँ के स्टेशनों से ये जानकारी इकट्ठा करते हैं और उन डिटेल्स को मैच आउट करते हैं। अब इसी तरह वो डार्लिंग के मर्डर केस के बारे में जानते हैं, वो उन ऑफिसर से बात करते हैं। वो ऑफिसर इन्हें बताते हैं कि वहाँ पे उन्हें उस किलर के कुछ फुटप्रिंट्स मिले थे और उससे पता चलता है कि किलर 10 नंबर के सूट पहनता है और वो सूट सिर्फ मिलिट्री कैंप में ही मिलते हैं। अब इस इंसिडेंट के 12 घंटे बाद दो पुलिस ऑफिसर आते हैं और वो डेप से मिलके उसे बताते हैं कि उनकी इन्वेस्टिगेशन में 3 ब्लैक आदमी को छोड़कर एक आदमी को देखा था, शायद वही जूडिया को, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं सकते। अब डेव तुरंत स्केच आर्टिस्ट को बुलाकर उसका एक स्केच निकलवा लेता है। अब देखते ही देखते अक्टूबर का महीना आता है। एक रात अचानक डेव को कॉल आता है कि एक मशहूर टीवी चैनल को जूडियक ने कॉल किया है। उसने कहा है कि कल सुबह मैं मॉर्निंग शो में कॉल करूंगा, लेकिन उसे होस्ट में जिम के साथ जाना माना सेलिब्रिटी लॉयर मेलविन बेली भी होना चाहिए शो में, तभी मैं बात करूंगा। अब हम सुबह देखते हैं कि मेलविन उसका पार्टनर सुबह जल्दी उठा के स्टूडियो लेके चले जाता है। अब शो भी लाइव हो चुका था, पर उससे पहले डिटेक्टिव डेव को उसकी जिम और मेलविन को बताता है कि तुम्हें जूडियक से इस तरह बातें करनी है कि वो 15 मिनट तक बातों में उलझा रहे कि हम उसके कॉल को इजिली ट्रैक कर पाए। और इतना बताने के बाद अब शो लाइव हो चुका था। इस शो को क्रॉनिकल अखबार से पोल भी देख रहा था। अब जूडियक का कॉल शो में आता है। जूडियक मेलविन को बताता है कि मैं काफी डरा हुआ हूँ, मेरे सर पे बहुत ज्यादा दर्द होता है, उसे लोगों को मारने में अच्छा लगता है और उसका सर दर्द नहीं देता, इसके वजह से वो लोगों को मारता है, वो यह सब बता रहा होता है। अब मेलविन और जिम उसे अपनी बातों में उलझा रखते हैं, लेकिन जूडियक काफी चालाक था, वो 15 मिनट से पहले ही कॉल कट कर देता है और फिर दोबारा कॉल करता है। वो मेलविन को बताता है कि ये प्रॉब्लम मुझे बचपन से, मैं जब बच्चा था। मेलविन उसे कहता है कि हमें कहीं मिलके ये सब बातें करनी चाहिए, मैं सब में तुम्हारी तभी मदद कर सकता हूँ जब तुम मुझे मिलो। जूडियक मेलविन से मिलने के लिए मान जाता है। जूडियक उसे एक जगह बताता है, मेरी चर्च, और वहाँ वो कुछ समय बाद मेलविन से मिलेगा। अब वो समय भी आ जाता है, मेलविन जूडियक से मिलने जाता है, पर मेलविन के साथ बहुत सारी पुलिस फोर्स थी, लेकिन वहाँ इन लोगों को जूडियक नहीं मिलता। अब उसी कपल में से जो लड़का बचा था जिसकी वाइफ जूडियक ने मार दिया था, वही लड़के को इस शो की रिकॉर्डिंग सुनाई जाती क्योंकि उसने जूडियक की आवाज सुनी थी, पर वो यहाँ पे जूडियक की आवाज नहीं पहचान पाता। अब क्रॉनिकल अखबार में एक और लेटर आता है। जूडियक ने उस लेटर में पुलिस वालों को काफी मजाक उड़ाया था, साथ ही एक कोडेड मैसेज भी था, और उसने उस लेटर में बॉम्ब की डिटेल्स भी लिखी थी जो उन्हें कहीं लगाया होता है। अब उसी रात पॉल्स और रॉबर्ट साथ में मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। ये आपस में जूडियक की बातें कर रहे होते हैं, जिसमें रॉबर्ट पॉल से कहता है कि जूडियक ने अपना कोड एक बुक की मदद से लिखा है और इस बुक को जूडियक अल्फाबेट कहा जाता है। यह सुनकर पॉल के होश उड़ जाते हैं। हमें रॉबर्ट की बातों से ऐसा लग रहा था कि वो इस केस में ऑब्सेस है और वो अपनी खुद की अलग इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। फिर अब हम देखते हैं कि दिसंबर का महीना आता है, जहां पर लॉयर मेलविन को उसके घर पे जूडियक का एक लेटर आता है, जहां पे जूडियक मेलविन की मदद मांग रहा था। वो ये सारी बातें डेव को बता देता है। मेलविन कहता है कि मुझे कई बार जूडियक के कॉल्स भी आते हैं और इन्वेस्टिगेशन इसी तरह चलते रहती है। अब समय बीतता जाता है। अब अगले साल मार्च का महीना आता है, साल था 1970। हम देखते हैं कैथलिक नाम की एक लेडी को जो रात के समय अपने छोटे बच्चे को लेकर कैलिफोर्निया हाईवे से ड्राइव करते हुए उसके घर वापस जा रही होती है कि तभी उसके पीछे एक कार आती है। उसमें बैठा एक आदमी उसे कार रोक के कहता है कि आपकी गाड़ी का पिछला टायर लूज हो चुका है, क्या मैं उसे ठीक कर दूं? आगे चल के आपको रास्ते में तकलीफ होगी। पर जब उसे ठीक कर देता है और जब वो कैथली वहां से निकलने लगती तो थोड़ी दूर आगे जाने पर ही उसकी कार का पिछला टायर निकल जाता है। अब उसके कारण वो आगे उस कार से नहीं जा सकती। तभी वही आदमी फिर वापस कार को लेके आता है उसकी, और वो उससे लिफ्ट ऑफर करता है और कहता है कि आगे कोई
गैस स्टेशन में मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा, तो आप मैकेनिक के साथ आके कार रिपेयर करवा लेना। यह सुनकर कैथली भी मान जाती। अब ये कार से जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते में गैस स्टेशन पड़ता है, पर वो आदमी वहाँ नहीं रुकता। और थोड़ी दूर और आगे जाने के बाद वो आदमी कैथलिक को कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को किस तरह मारूं, मैं ये कर सकता हूं कि तुम्हारे बच्चे को कार से बाहर फेंक दूं। ये सब सुनकर कैथलिक डर जाती और फिर सीन यहां पे कट हो जाता है। इसके बाद हम कैथलिक को देखते हैं जो कि रोड में एक ट्रक को रोककर बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, रो रही थी। ये सब देख के हम समझ पाते हैं कि कैथलिक उस कार से कूद गई अपने बच्चे को लेके, कि तभी वहां पे एक कार आती, उसमें से एक लेडी बाहर निकलती है। वो कैथलिक को समझाती है और कैथलिक अब समझ चुकी थी कैथलिक ने अपने बच्चे को उस किलर से बचाने के लिए झाड़ियों के पीछे छुपाया हुआ था, और वो उस लेडी को देखकर अपने बच्चे को बाहर लाती है। धीरे धीरे समय और बीत जाता है। यहाँ पर जूडी अपना काम करे जा रहा था, उसकी हत्याएं रुकना बंद ही नहीं हो रही थी और पुलिस ने अब तक उसे नहीं पकड़ पाया था। जूडी का लेटर भेजना अभी भी जारी था। अब क्रॉनिकल अखबार को पुलिस ने उन लेटर्स को छापने से मना कर दिया था। इसके बाद बहुत से महीने बीत जाते। जूडी ऐसे ही किलिंग के लेटर्स भेजा करता था। वो पुलिस वालों का लेटर में बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता है और वो ये भी पूछता है कि मेरे ऊपर कितना इनाम रखा गया है। किसी तरह वो खुद को फेमस करवाना चाहता है, इसलिए वो हर मर्डर के बाद एक लेटर भेजता है। अब हम देखते हैं पॉल और रॉबर्ट को जो कि साथ में क्लब में बैठे हुए होते हैं। पॉल कहता है कि किलर ना धोखेबाज है, वो बस फेमस होना चाहता है। तभी पॉल रॉबर्ट को लेके एक जगह जाता है जहाँ पे बहुत से न्यूज़पेपर रखे, जिसमें से कुछ में क्लिप्स थी और उन न्यूज़ में उन आर्टिकल्स में मर्डर की घटनाएं थी। ये वही घटनाएं होती है जिसे जोडियक ने अपने लेटर्स में लेके भेजा करता था। मतलब कि इससे ये पता चलता है कि जोडियक जो मर्डर नहीं भी करता, वो न्यूज़पेपर से डिटेल्स निकालकर लेटर में लिखकर पहुंचाता है ताकि वो लोगों को डरा सके। वहाँ पॉल रॉबर्ट को एक पैम्पलेट दिखाता है जिसमें एक घड़ी जो जूडियक नाम की होती है। इस टेम्पलेट में साफ साफ दिख रहा था कि उन घड़ियों में जूडियक लिखा है और इस वॉच कंपनी का लोगो भी जूडियक के लोगो से मिलता जुलता है। मतलब कि इससे साफ जाहिर होता है कि जूडियक का लोगो भी नकली है। ये सारी रिसर्च पॉल ने खुद इन्वेस्टिगेशन करके ढूंढी थी। अब काफी समय बीत जाता है, कुछ महीने बीत चुके थे। अब कोई भी मर्डर की खबर नहीं आती, ना ही कोई लेटर आता है। पुलिस को लगता है कि शायद अब जो किलर है ना वो अंडरग्राउंड हो चुका है। पर हालांकि पॉल को कुछ ना कुछ आर्टिकल जूडियक के ऊपर छापना पड़ता है क्योंकि वो उसका काम है। अब पूरा एक साल बीत चुका था और टाइम आता है अक्टूबर 1970 का। तभी हम एक दिन अचानक से पॉल को देखते हैं कि उसके डेस्क पर जूडियक का लेटर आया है जिसमें उसने उसे मारने की धमकी दी है, क्योंकि पॉल ने अपने एक आर्टिकल में जूडियक को होमोसेक्सुअल कहा था। अब पॉल अपनी सेफ्टी के लिए डेव से एक गन की परमिशन लेता है। अब उसे गन मिल जाती, वो उसी गन से शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। वहाँ पे रॉबर्ट भी था उसी के साथ। जब से पॉल को वो लेटर मिला तब से रॉबर्ट भी उसी के साथ रहता है। अब क्रॉनिकल वालों ने इस लेटर को न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया था। उस पर लिखा था कि हमारे रिपोर्टर पॉल एवरी को मारने के लिए धमकी दी गई है। इसी कारण पॉल को किसी अनजान इंसान ने कॉल करके बताया है कि उसके पास जूडियक की कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो उससे मिलना चाहता है और वो उसे रिवरवुड नाम की एक जगह पे बुलाता है। अब उसी रात पॉल उस आदमी से मिलने जाता है। वो रॉबर्ट को भी साथ में चलने के लिए कहता है, पर रॉबर्ट की डेट होती है, इसके कारण वो उसके साथ नहीं जाता। अब हम रॉबर्ट की डेट देखते हैं जहाँ पे वो एक लड़की के साथ बैठा हुआ होता है और ये लोग आपस में जूडियक के ही बारे में बात कर रहे थे। दूसरी ओर हम पॉल एवरी को देखते हैं जो उसी आदमी से इन्फॉर्मेशन मिल जाती और अब वो सीधे अगले दिन सारी इन्फॉर्मेशन टीवी रिपोर्टर को बता देता है। और ये सब टीवी रिपोर्टर बता रहा होता है टीवी पर कि जूडियक ने 1966 में किए मर्डर में एक लड़की को मारा था और उसने उसी तरह जैसे अभी लेटर भेजा करता है वैसे ही एक पुलिस स्टेशन में उसने लेटर भेजा था, सारी चीजें लिखी थी। लेकिन इस न्यूज के कारण पुलिस वालों की बहुत बेइज्जती होती है क्योंकि लोगों को लगने लगा कि पुलिस अब अपनी इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं कर रही है। अगले ही दिन हम डेव को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ नापा काउंटिंग के कुछ पुलिस ऑफिसर से रिवर साइड की पूछताछ के केस में साथ जा रहे थे। इनके साथ पॉल एवरी वे होता है। अब वो ऑफिसर इन्हें बताते हैं कि शेरी नाम की लड़की का मर्डर 1966 में हुआ था। उस किलर ने जूडियक की तरह ही मर्डर के बाद एक लेटर भी भेजा था। जब डेव उस किलर के लेटर को जूडियक के लेटर से मैच आउट करता है तो उसकी हैंडराइटिंग मैच नहीं होती जूडियक के लेटर के साथ, इसलिए रिवर साइड पर जो सस्पेक्ट था वो सही साबित नहीं होता। अब जूडियक भी काफी फेमस हो चुका था, जेल में काफी सारे लोग जूडियक की ही बातें किया करते थे। अब देखते ही देखते 8 महीने और बीत जाते। हम आर्मस्ट्रांग को देखते हैं जो डेव के साथ काम किया करता था। उसे एक दिन ऐसे इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक लेडी मिलती जो उसे बताती है कि कुछ साल पहले उसके स्कूल में एक जेनेटर काम किया करता था जिसका नाम आर्थर था। वो इसी तरह मर्डर की बातें किया करता था और वो ये भी बताता था कि अगर मैं जब भी किसी का मर्डर करूंगा तब अपना नाम जूडियक बताऊंगा। पर बच्चों के साथ छेड़छाड़ के चलते
चलते उसे जेल हो गई और अब वो शायद किसी मिल में काम करता है। डेब और एमस्ट्रॉन्ग अपनी टीम को लेकर उसी मिल में ऑथर से मिलने जाते हैं। वो आदमी काफी लंबा और हट्टा कट्टा था और वो पुलिस को देख के जरा भी नहीं डर रहा था। पूछताछ के दौरान वो बताता है कि मैंने कभी भी अपने आप को जोड़ियक के बारे में दावा नहीं किया। पुलिस उसके सूज का साइज देखती है जो कि जोड़ियक के सुसाइज से सिमिलर था, मतलब कि वो मैच हो रहा था, जो 11 नंबर का था जो कि मिलिट्री वाले ही पहना करते हैं। इनफैक्ट आर्थर बताता है कि मुझे इन मर्डर्स में से एक मर्डर में मैं सबके दायरे में था। उस समय मेरी गाड़ी और घर की तलाशी भी हुई थी, पर जब उन्होंने मेरे घर में चाकू देखा जो कि खून से सना था, पर जब उसका चेकआउट हुआ तो मैंने उन्हें बताया था कि वो चाकू मैंने चिकन को काटा था, इसके कारण वो भरा था। और उसके बाद मुझे फिर नई पूछताछ की गई, लेकिन उसके साथ पूछताछ में ये पता चलता है कि डार्लिंग के मर्डर से लेकर आज तक जितने भी जूडियक ने मर्डर किए, आर्थर हमेशा उसी लोकेशन के आसपास था। पुलिस को आर्थर के ऊपर पूरा शक था, उन्हें लग रहा था कि यही जूडियक है। और तो और जब डेव उसकी वॉच चेक करता है तो उसकी घड़ी में जूडियक लिखा हुआ था। अब ये सभी 99% श्योर थे कि यही जूडियक है, लेकिन एक बात से आर्थर छूट सकता था क्योंकि आर्थर लेफ्ट हैंडेड था और अभी तक जितने भी लेटर आए जूडियक के वो सारे राइट हैंडेड है। अब उसी रात तीनों आर्थर के भाई और भाभी से मिलने जाते हैं और उन्हें जूडियक के लेटर दिखाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप कंफर्म करके बता सकते हैं कि ये आर्थर की राइटिंग है। वो बोलते हैं, आर्थर हमें जब भी क्रिसमस में लेटर्स और ग्रीटिंग कार्ड्स भेजा करता था उसमें क्रिसमस में डबल एस लगाया करता था, जैसा कि जूडियक के लेटर्स में लगे हुए हैं। अब वो लोग वहाँ से वापस चले जाते हैं और अपने सीनियर को सारी इन्वेस्टिगेशन बताते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था कि जितने भी मर्डर हुए ये सारे मर्डर आर्थर ने ही किए हैं। मतलब कि इन्हें आर्थर को जूडियक साबित करने के लिए फिजिकल फॉर्म में कोई भी ठोस सबूत चाहिए जो कि मर्डर से रिलेटेड हो। अब पॉल के जीवन में कुछ सही नहीं चल रहा होता। जब से उसे जूडियक का लेटर आया वो तब से घर में नहीं रहता, वो गाड़ी में ही रहता है और वो बहुत ज्यादा शराब पीना चालू कर दिया है। और तो और वो अपना क्राइम रिपोर्टर काम भी सही से नहीं कर रहा था, जिसके चलते उसे क्रॉनिकल का एडिटर कहता है कि तुम सही से काम करना चाहते हो तो करो, नहीं तो जॉब छोड़ के चले जाओ। और पॉल शराब के नशे में क्रॉनिकल की जॉब भी छोड़ के चले जाता है। और अब जब डेव अपनी पुलिस टीम को लेकर आर्थर के घर जाता है तो जैसे ही वो घर के अंदर घुसते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी गैलरियां ही होती है और तो और उन्हें वहाँ पे बहुत सी इनलीगल वेपन्स भी मिलते हैं। पर इन लोगों को वहाँ पे कोई ठोस एविडेंस नहीं मिलते कि आर्थर को जूडियक साबित कर पाए, इसके चलते वो आर्थर को अरेस्ट नहीं कर सकते। देखते ही देखते अब 4 साल और बीत जाते हैं। अब जूडियक के ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी थी। वही थिएटर पर डेव की मुलाकात रॉबर्ट से होती है। ये आपस में बातें करते हैं और ये जूडियक के बारे में बताते हैं, जिस पर रॉबर्ट डेव को बताता है कि मैं जूडियक के ऊपर एक किताब लिख रहा हूँ, क्या तुम उस पर मेरी मदद करोगे। डेव रॉबर्ट की बात में हामी भरते हुए वहाँ से चले जाता है। अब रॉबर्ट जूडियक के ऊपर बुक लिख रहा था, वो काफी रिसर्च करता है, वो काफी केस स्टडी करता है। पिछले 4 से 5 साल में रॉबर्ट ने बहुत सी जूडियक के ऊपर इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली है और ये बात उसने न्यूज़पेपर में भी बता रखी है कि मैं एक जूडियक के ऊपर बुक लिख रहा हूँ। इसके चलते पता है क्या होता है कि रॉबर्ट को ऐसे बहुत से ब्लैंक कॉल आते हैं जिसमें वो आदमी सिर्फ कॉल के अंदर लंबी लंबी सांसें लेता है और कुछ नहीं कहता। और अब रॉबर्ट अपनी बुक को लिखने में इतना खो जाता है कि वो अपने परिवार को तक समय नहीं दे पाता। अब रॉबर्ट जूडियक से रिलेटेड सवाल पूछने के लिए पॉल से मिलने जाता है। हम पॉल को देखते हैं जिसकी हालत सही नहीं होती। अब रॉबर्ट अपने बुक के रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे एक चीज पता चलती है कि जो सबसे पहले डार्लिंग का मर्डर हुआ था इसे जूडियक ने मारा था, वो शायद जूडियक डार्लिंग को जानता हो। और इसके चलते रॉबर्ट डार्लिंग की बहन से जेल में मिलने जाता है, पर इस सबसे उसे कुछ भी पता नहीं चलता। अब 9 साल और बीत चुके थे, रॉबर्ट की बुक भी पब्लिश हो गई थी और ये कहानी अनसुलझी ही रहती है। जो आर्थर था ना, जो कि शक के घेरे में आया था, उसकी भी 2002 में हार्ट अटैक के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद क्रॉनिकल अखबार में कोई भी लेटर नहीं आया था जूडियक के नाम से और फिर मर्डर होना भी बंद हो चुके थे। ये सचमुच में एक सच्ची कहानी पे आधारित है जिसे रॉबर्ट ग्रे स्मिथ की बुक के द्वारा दिखाया गया है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जूडियक कौन था, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।